गाड़ी स्टार्ट हो गया, ब्लोअर ऑन हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं जैसे एसी का स्विच दबाऊंगा ना, देखिए आवाज आ रहा है ना, लेकिन एसी काम नहीं कर रहा है। YouTube चैनल, आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। और आज है संडे, ठीक है। और ये गाड़ी आया था कल रात को गुवाहाटी से। और बोंगाईगांव में क्या हो रहा है, मतलब मेन रोड में और टाउन के अंदर भी, मतलब स्पीड ब्रेकर बनाया जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि एक स्पीड ब्रेकर, एक दो तीन चार ऐसे, मतलब और भी बहुत बड़ा बड़ा रंबल स्ट्राइप जैसा होता है, मतलब हाईवे में जैसा होता है ना, वो तो छोटा छोटा होता है, लेकिन टाउन के अंदर इतना बड़ा बना दिया कि गाड़ी को मतलब आप जोर से ले जाओगे ना, नीचे का चैम्बर फट जाएगा या तो नीचे से कहीं से टूट टकराएगा, इतना बड़ा बड़ा बना दिया है। तो क्या हुआ था, ये पोलो है, ठीक है, इसका राइट हाइट ऐसा ऐसे भी कम है। तो इसको रात को ड्राइवर लेके आया था, ड्राइवर को मालूम नहीं कि यहाँ पे रास्ता ऐसा है, मतलब स्पीड ब्रेकर बना दिया इतना बड़ा बड़ा। तो क्या क्या पूरा स्पीड में जाके मतलब कूदा दिया स्पीड ब्रेकर के ऊपर। अब उसको तो पता नहीं है, रात को आया था। अब क्या हुआ, बम्पर में थोड़ा क्रैक आया, क्रैक मतलब भी शेप का पेंट भी उतर गया थोड़ा सा। और उसके बाद क्या हुआ, इसका एसी काम करना बंद कर दिया है। तो मैं मतलब ये टूल किट है मेरे पास, ये वाला, तो इससे मैं सब खोल बोल के देखा बोनेट में, इंजन बे में, तो मुझे वैसे कुछ मिला नहीं। एक बोने बम्पर के अंदर से एक सेंसर का वायर होता है, वो बहुत साल पहले एक बार निकल गया था, तब इसी काम करना बंद कर दिया था। वो तो उसको मैंने चेक किया, उसका प्रॉब्लम तो है नहीं, वो ठीक है। फिर चलिए बाहर जाके दिखाता हूँ, मतलब बोनेट खोल के। तो बोनेट हम लोग ने खोल लिया है, और ये वो TDI इंजन है जो अभी आता नहीं है, डिसकंटिन्यू हो चुका है। और इसका एसी का जो सेंसर के बारे में मैं बात कर रहा था, ये है, ये आप देख पा रहे हो ना, फोकस करो, हाँ ये वाला वायर यहाँ से जाता है बम्पर के अंदर से, और जो पेंट उतर गया था ये वाला, और यहाँ पे क्रैक आ गया, देखिए ये भी थोड़ा मतलब मिसप्लेस हो गया, इतना ज़ोर से मतलब टकराया। तो उसके बाद क्या हुआ, इसी तो काम करना बंद कर दिया, और दिख भी नहीं रहा है, लाइट लाना पड़ेगा मुझे। हाँ तो मैं लाइट लाया, तो अभी मैं दिखाता हूँ कि इसका कंप्रेसर किधर है, ठीक है। ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला, ये है इसका कंप्रेसर का पुली, ठीक है। और इसमें दो चीज़ है, ये बाहर वाला इसका क्लच है, अंदर वाला पुली है, इसको हाथ से घुमा सकते हैं आप। और इसमें फ्यूज बॉक्स भी एक, मतलब यहाँ पे एक है, ये रहा, इसमें एक ही फ्यूज़ है, इसको आप लोग चेक कर लेना, कभी कभी ये भी प्रॉब्लम दे सकता है। तो मैंने क्या किया, मैं ये नीचे का सेंसर का वायर पहले चेक किया, फिर वो ठीक मिला, मैं इसको चेक किया फ्यूज़ बॉक्स को, उसको वो ठीक निकला। फिर मैं ये जो कंप्रेसर है, इसका जो क्लच है, उसको हाथ से घुमा के देखा, वो भी ठीक है। तो अब अंदर दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। हाँ तो प्रॉब्लम ये है, एक न्यूट्रल कर लो। हाँ तो ये मैं जैसे चाबी दिया ना, सब मतलब वार्निंग लाइट एक भी नहीं है, ठीक है। इंजन लाइट अभी चला जाएगा जब स्टार्ट करूँगा, तो आप देखना, गाड़ी स्टार्ट हो गया। अब मैं एसी को ऑन करूँगा ना, एसी ऑन हो मतलब ब्लोअर ऑन हुआ है, आवाज़ सुनिए, ब्लोअर ऑन हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं जैसे एसी का स्विच दबाऊंगा ना, देखिए आवाज़ आ रहा है ना, लेकिन
एसी काम नहीं कर रहे, तो ये है दिक्कत। और अभी दिखाता हूँ कि एसी का क्लच भी एंगेज नहीं हो रहा बाहर में। ये देखिए ये पुली घूम रहा है, देखिए इंजन स्टार्ट है, पुली घूम रहा है, लेकिन इसका क्लच रुका हुआ है। ये वाला देखिए क्लच नहीं घूम रहा है, इसी का जो क्लच है वो एंगेज हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे में इतना गर्मी में तो रह नहीं सकता ना, गाड़ी कौन कैसे चलाएगा कोई गाड़ी इतना गर्मी में, वो तो नहा लेके पसीना पसीना हो जाएगा। तो अभी बंद कर दिया हूँ मैं, और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि प्रॉब्लम इंजन बे में है नहीं, बम्पर में भी प्रॉब्लम नहीं है। ठूका जरूर है स्पीड ब्रेकर में जोर से, लेकिन बाहर में कुछ हुआ नहीं है। बम्पर में थोड़ा क्रैक आया, पेंट उतर गया, लेकिन एसी का जितना वो है वायरिंग है, सेंसर का कपलर जितना भी है सब ठीक है। मैं ऑन मैं काम किया था उल्टा, पहले अंदर चेक करना चाहिए, मैं बाहर चेक किया, और ऑब्वियस है बाहर मतलब इम्पैक्ट हुआ है ना बाहर, इसलिए मैं चेक किया। अभी अंदर देखते क्या है, ठीक है। इसका जो फ्यूज बॉक्स है ना वो नीचे है स्टीयरिंग के नीचे, और कभी कभी क्या होता है जब जोर से इम्पैक्ट होता है तो उधर कुछ उल्टा सीधा होने की वजह से मतलब कभी लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ हो जाता है, अंदर का रिले या फिर फ्यूज उड़ जाता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि इसका एसी का फ्यूज किधर है। तो फ्यूज बॉक्स का कवर मैंने खोल लिया पहले। इसका जो इतना सारा फ्यूज है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसी का कंप्रेसर का है, इसी का रिलेटर जितना भी ये वाला है, ठीक है। ये छोटा छोटा जहाँ पे खत्म हुआ ना नीचे से पहला वाला फ्यूज एसी के रिलेटेड है, तो इसको खोलना है अभी। आप लोग ऐसे चिमटे के वजह मतलब लेके इसको अंदर घुसा के इसे बाहर खींचना। थोड़ा दिक्कत वाला काम है ये। हाँ, ये वाला निकल गया, और ये देखिए अंदर से ये जल गया है, ये देखिए टूटा हुआ है, ये इम्पैक्ट के वजह से हुआ है, नहीं तो रनिंग कार में ये होना इतना पॉसिबल है नहीं। ये और मैंने ये खरीद के लाया, ये 5 एम्पियर का है, ठीक है। मैं 5 एम्पियर बहुत ढूंढा हूँ लेकिन मुझे मिला नहीं, तो मैं 10 एम्पियर का लेके आया। बाद में इसको 5 मिनट से मैं चेंज कर दूंगा, अभी इसको मैं इधर लगा देता हूँ। लगा दिया, अभी इसको रख देता हूँ यहाँ पे। अभी देखिए न्यूट्रल है, हाँ न्यूट्रल है, अभी स्टार्ट करूँगा। अभी स्टार्ट किया, अभी ठीक हो जाना चाहिए। मैं ब्लोअर ऑन किया, देखिए एसी ऑन हो गया, ठीक है। ये फ्यूज उड़ गया था, लाइट ले लेता हूँ, नहीं तो आप लोग को दिखेगा नहीं। ये देखिए अभी एसी का क्लच एंगेज हुआ है, ये वाला, ये पहले नहीं घूम रहा था ना, अभी देखिए अच्छे से घूम रहा है। एसी का क्लच एंगेज हो गया, रेडियर का फैन आपको यहाँ से दिखेगा नहीं, वो भी ऑन हो गया, आवाज़ आ रहा है, अभी पूरा वर्किंग कर रहा है एसी। क्या गर्मी है रे। तो अगर आपका पोलो है और कभी ऐसा होता है तो सबसे पहले फ्यूज चेक करना। मेरे केस में फ्यूज उड़ गया था इम्पैक्ट आने पे, और ऐसे इम्पैक्ट के वजह से फ्यूज नहीं उड़ रहा है
इम्पैक्ट के वजह से इंजन बे में कुछ हुआ है जिसके वजह से मतलब लोड ज्यादा कम हुआ होगा, इसके लिए फ्यूज हो रहा है। इम्पैक्ट से ऐसे कभी अंदर का फ्यूज उड़ता नहीं है, ठीक है। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है ना, पहले बम्पर के जो अंदर एक वायर होता है कपलर, उसको चेक करना, अगर फ्यूज ठीक है तो। फिर कंप्रेसर का पुली हाथ से घुमा के देखना वो फंसा हुआ है या क्या है, उसके बाद आपको वायरिंग के साथ छेड़छाड़ करना, ठीक है। तो बोलना ये वीडियो कैसा लगा, ये क्विक डायग्नोस्टिक था मेरी तरफ से कि अगर इसी का प्रॉब्लम आता है तो क्या क्या आपको देखना है नहीं है। और बस इतना ही था वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, देख लेना क्या क्या कॉन्टेंट डालता हूँ मैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।